It's hard to breathe, but that's alright. गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो एनिमेशन के बारे में कि आप अपनी इस तरीके की वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हो जो कि टिकटॉक पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती है। तो उससे पहले अगर आपने तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप आपको इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलती रहती है। तो यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपने अपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेना और ये ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाता तो आपने इसको वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लेना। तो इसको ओपन करने के बाद अभी यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कुछ पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। तो अभी गाइज यहाँ से मैं अपनी गैलरी से 20 या 22 पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हमें इस म्यूजिक में काफ़ी सारे बीट देखने को मिल जाते तो यहाँ पर इस लिहाज से हमें काफी सारी फोटोज ऐड करनी पड़ेंगी। तो अभी यहाँ से मैंने 20 पिक्चर्स सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद गाइज यहाँ पर देखें हमारी फोटोज आ जाते हैं कैपकट ऐप पर। तो इस तरीके से अभी ये फोटोज शो होंगी। तो अभी गाइज ये जो वीडियो आपने इसको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना और वीडियो को ध्यान से वॉच करना है। तो अभी गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी पिक्चर्स हैं आपने इन सबको फुल स्क्रीन कर लेना है। तो अभी यहाँ पर मेरी जितनी भी पिक्चर्स हैं जो फुल स्क्रीन नहीं है इन सबको मैं यहाँ से पहले फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि यहाँ पर आपने क्या करना है। तो अभी गाइज यहाँ पर देखें ये लास्ट पिक्चर इसको मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है और यहाँ पर आपको लास्ट में से आपका वाटरमार्क दिखाई देता तो आपने उसके यहाँ से डिलीट करना है। तो अभी यहाँ पर वीडियो स्टार्ट होती है तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर आपने म्यूजिक को ऐड करना होगा। तो ये म्यूजिक कहाँ से मिलेगा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आपने डाउनलोड कर लेना है। तो अभी आपने ऐड ऑडियो के ऊपर क्लिक करना और एक्सट्रैक्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस वीडियो के ऊपर वही वाला म्यूजिक लगा हुआ है बीट्स वाला, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आपने इसको डाउनलोड कर लेना। तो अभी गाइस यहां पर देखें हमारे पास म्यूजिक ऐड हो जाता है यानी कि फोटोज के नीचे। तो अभी यहां पर देखें अगर हम यानी कि इस म्यूजिक को जूम आउट करें 2 फिंगर के साथ तो यहां पर गाइस हमें इस म्यूजिक में काफी सारे बीट्स देखने को मिल जाते हैं। यहां पर देखें अभी मैंने इसको 2 फिंगर के साथ इस तरीके से जूम आउट किया म्यूजिक को तो यहां पर हमें काफी सारे बीट्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी यहां पर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो अभी यहां पर देखें यानी कि इसमें काफ़ी सारे बीट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से भी मैं एडजस्ट करूँगा इस म्यूजिक की बीट्स के साथ फोटोज़ को, सेम इसी प्रोसेस से आपने भी अपनी फोटोज़ को एडजस्ट करना होगा इन फोटो से। तो यहाँ पर जैसे कि आपने डेमो में वीडियो देखी होगी यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला म्यूजिक है वो यहाँ पर यानी कि म्यूट है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी स्टार्टिंग वाली फोटोज़ थी 2 वाली वो यानी कि थोड़ा स्लो मोशन के साथ प्ले होती है और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा म्यूजिक फर्स्ट मोशन में शुरू होता है। तो अभी यहाँ पर देखिए आपने सबसे पहले यहाँ से इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर जो आपके यानी कि जो फर्स्ट 2 वाली पिक्चर्स होंगी आपने इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो सबसे ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं इसका भी टाइम ड्यूरेशन इतना रख लेता हूँ, काफ़ी है। तो यहाँ से इसको स्प्लिट करने के बाद यहाँ से डिलीट कर देना है। तो अभी यहाँ पर देखें जो यानी कि जो हमारा मेन म्यूजिक है यानी कि जहाँ से हमारी फोटोज़ फर्स्ट मोशन में प्ले होंगी वो यहाँ से म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है। तो अभी यहाँ पर देखें आपको इस म्यूजिक में काफ़ी सारी बीट्स देखने को मिल रही होंगी। तो अभी यहाँ पर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अभी यहाँ पर देखें इस म्यूज़िक में आपको काफ़ी सारी यहाँ पर बीट्स देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर यानी कि जिस पॉइंट पर भी आपको बीट देखने को मिलती है आपने उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अभी मैं आपको प्ले कर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें मैंने जल्दी से अभी इन फोटोज़ को एडजस्ट कर दिया म्यूज़िक की बीट के साथ। तो अभी यहाँ पर मैं आपको मेन बताऊँगा, देखिए जहाँ पर भी यानी कि आपको बीट्स देखने को मिलती है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से डिलीट करते जाना है। यहाँ पर अभी मैं आपको लाइव भी कर दिखा देता हूँ। तो अभी देखिए एक बीट यहाँ पर है यानी कि आपने इस तरीके से अपनी फोटो के पर क्लिक करना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपने इनको डिलीट करते जाना है। तो अभी यहाँ पर मैं जल्दी से यानी कि जितनी भी बीट है यहाँ पर इस तरीके से इनको ऐड करता जाता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखें ये जो नीचे वाला म्यूजिक है यहाँ पर हमें बीट्स देखने को नहीं मिल रही। तो अभी यहाँ पर हमारी फोटोज़ भी खत्म हो चुकी हैं और यहाँ पर जो वीडियो है मैं यानी कि स्किप कर करके बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल समझाऊँ यानी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो अभी यहाँ पर हमारी फोटोज़ खत्म हो जाती हैं और यहाँ पर हमारे पास अभी काफ़ी सारा म्यूजिक रहता है। तो अभी यहाँ पर आपने अपनी मजीद फोटोज़ कैसे ऐड करनी है, तो यहाँ पर आपने व्हाइट कलर के प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपने अपनी गैलरी से वही वाली पिक्चर दोबारा से ऐड कर लेने जो आपने ऑलरेडी ऐड की है कैपकट ऐप पर। तो अभी यहाँ से मैं वही वाली पिक्चर दोबारा से ऐड कर लेता हूँ अगर आपके पास और मजीद फोटोज़ नहीं है एक्स्ट्रा। तो अभी यहाँ से देख मैंने फिर से वही वाली फोटोज़ ऐड कर ली हैं जो हमने पहले से ऑलरेडी यानी कि ऐड की हुई थी। ये जो हमारी फोटोज़ है काफ़ी फर्स्ट मोशन में प्ले होंगी और देखने वालों को भी नहीं लगेगा कि हमने ये फोटोज़ रीयूज़ की हुई हैं। तो अभी यहाँ पर देखें इस तरीके से यहाँ पर आपने एडजस्ट करते जाना अपनी फोटोज़ को और यहाँ पर देखें जिस पॉइंट पर आपको बीट्स देखने को नहीं मिलती आपने इस तरीके से इस एरिए को छोड़ देना है। और ये जो है लास्ट वाली फोटो रह चुकी है, यहाँ पर मैंने वीडियो को स्किप किया था। तो अभी यहाँ पर जो है हमारी फोटोज़ एडजस्ट हो जाती हैं इस म्यूज़िक की बीट के साथ। तो ये जो एक्स्ट्रा फोटोज़ रह जाती है आपने इनके ऊपर क्लिक करने के बाद इनको यहाँ से डिलीट करते जाना। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर जो यानी कि जितने भी ये वाला म्यूज़िक था हमने इस म्यूज़िक की बीट के साथ अपनी फोटोज़ को एडजस्ट कर लिया जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा स्किप कर करके बनाया क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग क्रिएट हो जाती है अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता। तो अभी यहाँ पर मैं आपको प्ले भी कर दिखा देता हूँ और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी यहाँ पर हमारी फ़ोटोज़ यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं।
तो अभी यहाँ पर फाइनली हम अपनी इस वीडियो को प्ले भी कर देख लेते हैं और देखते हैं कि अभी यहाँ पर हमें कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके बाद यहाँ पर अभी हम अपनी इन फोटोज़ के ऊपर एनिमेशन भी ऐड करेंगे और आपने किन फोटोज़ को एनिमेशन देना है ये भी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट वाली पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एनिमेशन के ऊपर जाने के बाद अभी यहाँ पर जो आपने अपनी फर्स्ट वाली पिक्चर के ऊपर एनिमेशन यूज़ करना है वो यहाँ पर आप इनका यूज़र नेम भी देख सकते हैं। जूम वन यहाँ से मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसकी ड्यूरेशन भी 2 सेकंड तक यूज़ करनी है और उसके बाद यहाँ पर जो आपकी सेकंड वाली पिक्चर है आपने इसके ऊपर जो सेकंड वाला एनिमेशन यूज़ करना है तो इसका नेम भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ से मैं यूज़ करूँगा। ये देखिए बाउंस वन, ठीक है, ये वाला जो आपने सेकंड वाली पिक्चर के ऊपर यूज़ करना है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो अब आपकी आगे वाली पिक्चर्स है यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने फाइंड आउट कर लेना है यहाँ पर, यानी कि जिस पिक्चर्स का टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होगा तो उस पिक्चर्स को ही आपने सिर्फ एनिमेशन देना है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इस म्यूज़िक को 2 फिंगर के साथ जूम आउट कर लेना और यहाँ पर देख लेना है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाली जो पिक्चर्स है इसका जो है टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर कोई भी बीट्स वगैरह ऐड नहीं है। तो यहाँ पर गाइस अभी आपने इनके ऊपर क्लिक करना है एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे शेक इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप यहाँ से ईजिली अप्लाई कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे शेक इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी जैसे कि यहाँ पर मैंने शेक इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया, तो अभी यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारी फोटो शेक होगी। और अभी यहाँ पर आपने एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद, इनके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप इस एनिमेशन को चेंज करना चाहते हो तो अभी यहाँ से मैं कोई अच्छा सा शेक इफेक्ट ऐड करता हूँ इस फोटो पर, ये वाला जो है काफ़ी बेस्ट है। तो इसको ऐड करने के बाद अभी आपने चले जाना अपनी नेक्स्ट वाली फोटो पर। और एक पिक्चर ये है यहाँ पर देखिए, इसका भी जो है टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपने फिर से एनिमेशन पर जाने के बाद इन पर चले जाना और यहाँ से जैसे कि अभी इस फोटो पर मैं ये वाला शेक इफेक्ट ऐड करूँगा और उसके बाद यहाँ से आपने इसका टाइम ड्यूरेशन भी फुल कर देना है। तो इस तरीके से नहीं कि यहाँ पर आपने अपनी सारी पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई कर देना है जिनका यहाँ पर यानी कि टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होगा, उन्हीं फोटोज़ को यहाँ पर आपने शेक इफेक्ट देना है। तो एक ये वाली लास्ट वाली पिक्चर है, ठीक है, इसको भी यहाँ से मैं शेक इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। तो एनिमेशन पर जाने के बाद, इन पर जाने के बाद आपने फिर से यहाँ से कोई अच्छा शेक इफेक्ट फाइंड आउट करने के बाद इस पर अप्लाई कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए जो फाइनली हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर अभी मैं आपको प्ले भी कर दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारी जो फर्स्ट वाली 2 पिक्चर्स हैं इस तरीके से प्ले होंगी और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट मोशन में इस तरीके से हमारी फोटोज़ प्ले होंगी और यहाँ पर जो शेक इफेक्ट ऐड किया था जिनका टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है वो भी इस तरीके से शेक होंगी। तो अभी गाइस यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हो ईजिली और उसके बाद यहाँ से आप इसको 1080p रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।